आज तो भाई मैं अलार्म लगा के सोया था कि आज 5 बजे उठना ही है। वैसे दोपहर को मैं सोता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहा सो रहा हूँ तो अलार्म लगा देता हूँ। नाज भाई का गाना आ रहा है, इस बार रिएक्शन वीडियो करना है, क्योंकि पिछला गाना मेरे से भी मिस हो गया था। तो गाना आ चुका है भाई का, गाने का नाम है अगर मैं होता भगवान। ऑडियो क्रैकर के साथ हमेशा काम करते हैं ज्यादातर, तो लेट्स गो करेंगे और देखेंगे भाई क्या कुछ बातचीत यहाँ पे की गई है। और सच्ची बताओ यार, मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है नाज भाई को इस तरीके से देख के, भाई ग्रो हो रहे हैं, ऑफर्स आ रहे हैं अलग अलग जगह से, इम्प्रूवमेंट करे जा रहे हैं, क्वालिटी निकल के आ रही है। और यार इस चीज की ये मैं शुरू से रिएक्शन वीडियो में कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई इस आर्टिस्ट को मैं हमेशा से ग्रो होते हुए देखना चाहता हूँ। और भाई बड़ा मजा आ रहा है कि अब फाइनली पब्लिक के बीच में जो है काम एक के बाद एक फैल रहा है और पब्लिक फैन बन रही है भाई नाज भाई की। तो फिलहाल भाई गाना आ चुका है, तो उससे पहले बहुत सारे बधाई भाई, बहुत बढ़िया, लगे रहो, फुल सपोर्ट, आई लव यू मेरे भाई। तो लेट्स गो करेंगे और देखेंगे क्या कुछ बातचीत अंगार के साथ यहाँ पे लेके आए हैं अगर मैं होता भगवान गाने के अंदर। सो करते हैं लेट्स गो। अगर आप नहीं किया भाई के चैनल को सब्सक्राइब, डिस्क्रिप्शन के अंदर गाने का लिंक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, गाने को सुनो। और अगर एक गाना सुनने हो तो फिर 3-4 गाने आप सुनने पर मजबूर हो जाओगे, क्योंकि यो काम बोलता है। तो लेट्स गो करेंगे, बूम। अर्बन मॉन्की या गैंग। अगर मैं होता भगवान, करते दुआ क्यों मैं मर नहीं जाता, गानों ने दी मुझे दवा वरना मर ही जाता, खत्म करने सारे शैतान पर मैं कर नहीं पाता, अगर मैं होता भगवान तो मैं कर ही जाता। तेरा दे ये दुआ क्यों मैं मर नहीं जाता, गानों ने दी मुझे दवा वरना मर ही जाता। वो करते दुआ कि मर क्यों नहीं जाता, लेकिन भाई गानों ने दिया है मुझे दवा वरना मैं मर ही जाता, और अगर शैतान को मारता, अगर मैं भगवान होता तो वो कर ही जाता। ये बात क्यों मैं मर नहीं जाता, गानों ने दी मुझे दवा वरना मर ही जाता, खत्म करने सारे शैतान पर मैं कर नहीं पाता, अगर अगर मैं वो होता भगवान भगवान तो तो मैं कर ही जाता। वो हंसते थे मुझ पे कलर उनके साथ, हंसता था तुझ पे ये चीज यूनिकनेस जो अलग है भाई, अलग चीज कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से नाज, ये चीज यूनिक है और ये चीज भाई को बहुत आगे तक लेके जाएगी। अगर इसी तरीके के पिछला जो गाना आया था वो भी कुछ ना कुछ इसी के उसमें था, टच में था, और ये भी उसी के टच में, और भाई ये कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रहे, और भाई हर एक चीज भाई क्वालिटी निकल के आ रही है भाई। मैं मानो या ना मानो, पिछले मतलब पिछले पिछले गानों पे आप देखोगे और अभी कुछ एक साल में देखोगे तो भाई क्वालिटी बहुत ज्यादा निकल के आ रही है, और बड़ा सही लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है यार। कर ही जाता। वो हंसते थे मुझ पे कलर उनके साथ, हंसता था खुद पे खुद मैं, आज मांगते बार बार फीचर जैसे लौंडे मांगते बंदियों से न्यूट से, वो कहते तुम इसके ऊपर उसके नीचे पर कंपटीशन मेरा खुद से, मैं रहूंगा ऊपर और नीचे बस अभी जब घर होगा मेरा डुप्ले, तू चाहे जितना पीठ पीछे जाके मुझे मॉक कर, अगर कहती है मेरी लिखाई का तो मैं कहता हूँ खुद को डॉक्टर, मुझे गिराने बैठे है यहाँ पे आज बहुत जान, तू उंगली कर जितनी भी ज्यादा तेरा नाम नहीं होगा रोशन, मैं रहू या ना रहू या पे किसके बाप का जाता, ये चार दीवारों से ही मेरा। यार मतलब लिखाई बहुत सही यार, बहुत सही, उंगली करे लेकिन नाम नहीं होगा रोशन। ज्यादा तेरा नाम नहीं होगा, गिराने बैठे हैं यहाँ पे आज बहुत जान, तू उंगली कर जितनी भी ज्यादा तेरा नाम नहीं होगा। तू उंगली कर कितनी, ऋतिक रोशन की 6 उंगली है, तू कितनी भी कर उंगली ज्यादा, लेकिन तू तेरा नाम नहीं होगा रोशन। और भाई कोई कुछ भी करे लेकिन भाई जनता तुम्हारे साथ है यार, हम तुम्हारे साथ है नैस मेरे भाई, नैस फकिंग बेस्ट। बड़े दिनों बाद बोला यार ये मैंने। रोशन, मैं रहू या ना रहू या पे किसके बाप का जाता, ये चार दीवारों से ही मेरा सच्चा रिश्ता नाता, मतलब होने पे कोई तेरे पास में नहीं आता, एकदम से वक्त बदल दे दुनिया बाबा का है ढाबा, ये रैप मेरा प्यार समाज जात बन के आता, तुम झूठ सुनना चाहते पर मैं सच बोलना चाहता, मैं मुंह खोल के बोलता मैं नहीं करूंगा मंबल, तो मुझसे मुंह से सुपर निकल के तू बात कर रे बाबा, क्यों मैं मरनी मैं नहीं करूंगा मम्मा मुझसे दोबारा। ये भाई मीम्स हमेशा ही शुरू से ही ऐड करते हुए आ रहे हैं नैस भाई, और भाई वो चीज बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, और सीरियस में भी वो मीम ऐड कर ही देते हैं मम्मल। तो मुझसे मुंह से सुपारी निकल के तू बात कर रे बाबा, क्यों मैं मर नहीं जाता, गानों ने दी मुझे दवा वरना मर ही जाता, खत्म करने सारे शैतान पर मैं कर नहीं पाता, अगर अगर मैं मैं होता होता भगवान भगवान तो तो मैं मैं कर कर ही ही जाता, जाता। अगर तेरा
आपने जो आके ही करीब थे, सब रूस ली के चोदे थे, वो मार गए पंचवन इंच से, चोटे लग के भी हम हंसते बदतमीज से, ये जिंदगी पिक्चर तो होगा इंटरवल का बीच में, वक्त है पैसा। डीप लाइंस यार, डीप लाइंस। इंटरवल तो होगा फिल्म में, तो इंटरवल तो होगा और एंड में सब ठीक ही हो जाता है, और डीप लाइंस जा रही है भाई। और लोंडे आपको मालूम है भाई, दुख में भी हंसते रहते हैं यार, बदतमीज की तरह हंसते रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है यार कोई यहाँ पे साथ नहीं देने वाला, इसलिए जितना रोएंगे लोग उतना रुलाएंगे, इसलिए हमेशा खुश रहने का, खुशी में दुनिया काट देने का, चाहे तुम्हारे अंदर कितना भी दर्द हो। के चोदे थे वो मार गए पंचवन इंच से, चोटे लग के भी हम हंसते बदतमीज से, ये जिंदगी पिक्चर तो होगा इंटरवल का बीच में, वक्त है पैसा तो तुम उधार दो सब मिल के, वो पूछते खुद के बारे में क्यों लिखता हर बीच पे, 10 बार लिखूंगा गानों में वही सेम, ये जैसे कोई टीचर ने दी हुई मुझे पनिशमेंट, सारी किसी पे शक होता है हर एक पे, सब प्रॉब्लमेटिक लगते जैसे शम्स हो गणित के, मैं बेफिक्र होके सो पाऊंगा घोड़े बेच के, जब कमर में लगाऊंगा मैं घोड़ा खरीद के, चाची के लिए नए गहने लेना चाहता हूँ, मैं खुद को खोता जैसे कुंभ के मेले में मैं जाता हूँ, वो बोले गाने सुन के मजा आया, और ये जो मजा है मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता, क्यों मैं मर नहीं जाता, गानों ने दी मुझे दवा वरना मर ही जाता, खत्म करने सारे शैतान पर मैं कर नहीं पाता, अगर मैं होता भगवान तो मैं कर ही जाता, वो करते रहते ये दुआ, क्यों मैं मर नहीं जाता, गानों ने दी मुझे दवा वरना मर ही जाता, खत्म करने सारे शैतान पर मैं कर नहीं पाता, अगर मैं होता भगवान तो मैं कर ही जाता। ये यो बॉय, रेस्ट इन बीट भाई की एल्बम आ रही है यार, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, और फुल सपोर्ट, बधाई हो, और गाने भी तवाई तोड़ जा रहे हो, और आपकी जो एल्बम है वो भी सक्सेसफुल जाए भाई। यार मैं ना देखो, मैं दिल से बताऊँ एक चीज़ यार, मैं ना डिवाइन और नैस भाई का यार कोलैबोरेशन देखना चाहता हूँ यार, और मेरे को लग रहा है ये बहुत जल्दी हो जाएगा, जिस तरीके से नैस भाई पूरी दुनिया के सामने, पूरी इंडिया के सामने, पूरी पब्लिक के सामने अपना जो टैलेंट दिखा रहे हैं, मेरे को नहीं लग रहा कि भाई ये टैलेंट इतने दिन तक छुप के रहेगा, किसी भी बड़े बड़े कमर्शियल रैपर हो जाए या फिर अंडरग्राउंड मेन स्ट्रीम वाले रैपर हो जाए, तो भाई होगा होगा ये तो होगा भाई होगा, और भाई उस वक्त मेरे को और ज्यादा खुशी मिलेगी। तो यार ये मेरा रिएक्शन वीडियो था, बाकी आपको गाना कैसा लगा मेरे को जरूर बताना। मैं ये दावा कह सकता हूँ कि भाई इस गाने को जो सुनेगा ना, ये वाला गाना और उससे जो अगला पिछला जो गाना आया था, ये दोनों गाने ऐसे हैं जो भाई आप लूप पे सुन सकते हो और फील कर सकते हो जज्बात के साथ, और अगर आप एक जोन में हो तो बहुत ही अच्छे से कंफर्टेबल इस दो गाने के साथ आप हो सकते हो, क्योंकि ये दो गाने जो है ना भाई बहुत ही अलग, बहुत ही अपनी इमेज से हट के कुछ ना कुछ ये दो गाने निकाले, और भाई दोनों के दोनों गाने ऐसे लग रहे हैं कि भाई जो परफेक्ट भाई। बाकी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताएगा, सभी भाइयों को बहुत सारा प्यार, नेक्स्ट फकिंग बेस्ट।